हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नर्सरी के विज़िट और अपनी कुछ शॉपिंग जो मैंने नर्सरी से और रोड साइड से करी, और साथ में हमने किचन गार्डनिंग शुरू करने का प्लान भी बनाया, उसके लिए भी कुछ चीज़ें खरीदी। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। ये एक रोड साइड नर्सरी हमारे सिटी भोपाल में है, हालांकि हमें अभी यहाँ है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कहीं कहीं कब बाहर जाना होता है तो फिर हम नर्सरीज पे रोक लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आकर के हमने जब प्लांट्स के दाम पूछे तो बहुत सदमा सा लगा। जो पौधा पहले 60-70 रुपए में इजीली मिल जाता था, उसी के अभी ये 300-400 रुपये मांग रहे थे, और नर्सरी ओनर इतना फ्रस्ट्रेटेड बैठा था क्योंकि उसका बिजनेस चल ही नहीं रहा है, कोई आता ही नहीं है। तो हम पहुँचे तो उसको लगा कि हमें ही लूट ले। प्लांट्स तो हमने बहुत सारे लेने थे, लेकिन अब उसने कोई भी ऐसा प्लांट हमें रीजनेबल रेट पे दिया ही नहीं, जिस रेट पे हम अक्सर पहले लिया करते थे। तो इतना उन्होंने प्लांटर्स की भी कॉस्ट बढ़ा दी है, तो ये चीज़ तो मुझे समझ में आई नहीं कि भाई जब बिज़नेस चल नहीं रहा है और आप महंगा बेचेंगे तो फिर कौन आपके पास आएगा। तो यहाँ से फिर हम इवेंचुअली कुछ भी नहीं खरीद पाए। फिर हम एक शहर से बाहर एक नर्सरी है, शुभम नर्सरी भोपाल में, वहाँ जाने के लिए हम जब रास्ते में जा रहे थे तो ये रोड साइड पेवमेंट पे ये लोहे के कुछ दुकान लगी हुई थी, सामान मिल रहे थे, यहाँ मैंने रोक के कुछ चीज़ें खरीदी। और उसके बाद हम थोड़ा सा फार्म हाउस है एक मेरे फ्रेंड का, वहाँ गए और वहीं पे हमने लंच भी खाया, घर से बना कर के लेकर के गए थे पराठे, और वहाँ काफ़ी मन खुश भी हुआ। राखी भी थी तो हमने राखी भी इधर ही बांधी, और यहाँ नींबू लगे हुए थे बहुत सारे, तो फ्रेंड ने मेरे को बड़े सारे नींबू भी तोड़ के दिए। उनका मैं पिकल बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3-4 घंटे हम यहाँ फार्म हाउस पे रहे, और उसके बाद फिर वापस आते समय कई जगहों से, नर्सरी से और रोड साइड से हमने शॉपिंग करी जो आपके सामने है। और आप बिलीव करेंगे, ये वाले मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, लेकिन सब बहुत महंगी मिली हैं, और ये 3 प्लेसेस से हमने ये खरीदी है। ऐसा आजकल नहीं पॉसिबल कि एक ही नर्सरी जाए और हमें सारी चीज़ें मिल जाएं और अप्रोप्रिएट दाम लग जाए। जैसे 800,000 का बजट होता है तो एक नर्सरी पे पहले सारे काम हो जाया करते थे, अब तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो मैंने वर्मी कंपोस्ट के पैकेट्स ले लिए, ये अभी मिला है 30 रुपये का एक, पहले ये 20 रुपये में एक मिला करता था, 1 kg इसकी क्वान्टिटी है। वैसे तो मैं घर पे भी खाद बनाती हूँ, लेकिन 3 महीना लग जाता है घर पे कंपोस्ट तैयार होने में, तो अभी मेरी कंपोस्ट तैयार नहीं हुई, तो प्लांट्स के लिए मैंने ये खाद ली। और ये खुरपा मेरे को बहुत ज़रूरत थी, मेरे गार्डनिंग के इक्विपमेंट्स कई मिसप्लेस हो गए थे तो मैं काफ़ी परेशान रह रही थी। ये 75 बोले थे, लेकिन फिर वो उन्होंने जो रोड साइड मैंने आपको शॉप दिखाई ना, 50 रुपये में ही दे दिया। ये मिनी चांदनी का प्लांट है, और उसके पीछे श्यामा तुलसी का प्लांट है। ये मैंने रोड साइड से लिया, रोड साइड नर्सरीज आजकल भोपाल में बहुत लग गई हैं। कहीं कहीं पे भी जो लोग अपना जिनका बिजनेस नर्सरी में नहीं चल रहा, तो वो आके बैठ जाते हैं एक पॉलीथीन सा बिछा के शीट, वहाँ से आप प्लांट्स ले सकते हैं। नर्सरी में तो कॉस्टली भी होते हैं, फिर नर्सरी में बिल देते हैं, फिर वो टैक्स कटता है और क्या क्या होता है, और रेट्स ज़्यादा रहते हैं। रोड साइड पे जो प्लांट्स बिक रहे हैं वो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाता है प्राइस। ये 2 प्लांट्स मैंने नर्सरी से लिए हैं, ये तो थोड़े महंगे मिले हैं ये दोनों। एक पीछे क्रोटन है, ये वाला आगे जो पिंक डॉट्स वाला है, इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम है, मैं पता करूँगी। और नर्सरी ओनर भी बहुत सड़े से मुरझाए से बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा इसका नाम क्या, तो उनने बताया ही नहीं है। अब सबको यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि कोई ग्राहक ही नहीं आता है, तो एक आधा ग्राहक जब पहुंच जाता है तो सोचते हैं कि इसी की पूरी जेब काट लें। तो लेकिन अब मैं 7-8 प्लांट्स लेके आने वाली थी, बस मैंने ये 2 ही खरीदे। क्रोटन तो ये पहले हमें 150 रुपये में कोई भी क्रोटन हो ईज़िली मिल जाया करता था, तो अभी 250 बता रहे थे, करते करते कम कराते कराते 175 में दिया है। आगे जो पिंक डॉट्स वाला है वो भी 70 में। ये एक बोरा मैंने मिट्टी का लिया, इसमें ऑलरेडी गोबर की खाद मिली हुई है, ये 50 रुपीज़ में बोरा आया, इसका तो रेट रीजनेबल है। और ये हमने लिया है अमरूद का हाइब्रिड का ट्री,
इस पे दरअसल दो अमरूद लगे हुए थे, एक तो मैंने धो के खा लिया और ये वाला एक अभी मैंने लगे रहने दिया। ये 250 का है फ्रेंड्स, इसका रेट तो मुझे ठीक लगा। एक बकेट मेरे घर में है जिसमें छोटा सा क्रैक आया था, तो उस बकेट में मैं सोच रही हूँ कि ये वाला प्लांट लगा दूँगी, फिर आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी। तो प्लांटर्स भी लेना चाह रहे थे बड़े वाले के छत पे हम गार्डनिंग कर लेंगे, लेकिन इतने हाई प्राइसेस बोल रहे थे। फिर हमने सोचा ऑनलाइन पहले चेक करके देखते हैं और फिर रेट्स कंपेयर करेंगे। मैंने जो कुछ सीड्स भी ख़रीदे वो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए कोरिएंडर का सीड है, 5 पैकेट्स हमने ख़रीदे हैं। मैं अभी इनको खोल के फिर आपको एक एक का बताती हूँ कौन कौन से लिए। और 2 गमले भी ले लिए टमाटर और मिर्ची उगाने के लिए। गमले 100 रुपये में आ गए, 2 50 रुपये का एक। ये है हाइब्रिड वेराइटी है, ये मैं पालक उगाने वाली हूँ। तो ये जब मैं उगाऊंगी फिर आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर आगे इसका जैसे जैसे ग्रोथ होगी वो फीडबैक भी आपको ज़रूर दूंगी। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अगर उगा सकते हैं तो अपनी थोड़ी बहुत सब्जियां तो उगा ही लें घर पे। ये देखें हाइब्रिड सीड्स है, डायमंड करके कोई कंपनी है, बेंगलोर की है। तो ये अपना घर का पालक हो जाएगा, तो बाहर से जो हम खरीद के लाते हैं तमाम तरह के उसमें केमिकल स्प्रेज होते हैं और खादें भी डाली जाती हैं, सब सारे केमिकल्स होते हैं। सेहत फ्रेंड्स ख़राब हो तो रही है, कर क्या सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करें, मेहनत करें तो अपनी जो चीज़ें हम उगा सकते हैं वो कोशिश करके देख लेते हैं। ये भिंडी है, ये भी एक ओल्ड बकेट है, उसमें मैं लगा दूंगी। इसका भी प्लांट बहुत लंबा लंबा सा हो जाता है, तो फिर शेयर मैं आपके साथ करती रहूँगी। मीनवाइल मैंने सोचा ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी एक प्रेरणा दे दूँ कि आपके आसपास अगर सीड्स मिलते हैं तो आप ख़रीद लें और फिर उगा लें, फिर आप मेरे को अपना फीडबैक दें, मैं आपको अपना दूंगी, तो इससे एक लर्निंग भी हो जाएगी। ये RG22 वेराइटी है, ये हाइब्रिड चिल्ली है, रेड चिल्ली। इसमें ये जब उगेंगी फिर आपको दिखाऊंगी। दरअसल मेरे फादर इन लॉ फार्मर थे, तो मेरे हस्बैंड को ये काफ़ी जानकारी है सीड्स की। ये मिला हमें 55 रुपीज़ का एक पैकेट। ये चेरी टोमेटोज़ का पैकेट है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये बेंगलोर की है। तो सीड्स खरीदते समय फ्रेंड्स आप यही देखें कि क्वालिटी सीड्स खरीदें, क्योंकि फिर उसी पे ही निर्भर करता है कि आपकी आगे पैदावार कैसी होगी। अगर आप नहीं भी ख़रीदना चाहते तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एक टमाटर की पतली पतली स्लाइसेस कट करके भी आप गमले में रख दें तो भी पौधे उग जाते हैं। तो इसकी भी प्राइस 55 है। ये वैसे सभी के उन्होंने 55 बोले थे, लेकिन जो नीचे वाले 3 हैं इसका उन्होंने थोड़ा सा कम करके 40 रुपीज़ ईच लगा लिया। और ये तीनों की कंपनी डिफरेंट है, वो वाले डिफरेंट हैं। तो ये रही आज की हमारी टोटल नर्सरी की शॉपिंग। और वो मिनी चांदनी का प्लांट, ये गमले तो हो गए, इनमें मैं वो प्लांट्स लगाऊंगी। मिनी चांदनी तुलसी का प्लांट मिला के दोनों मेरे को मिले थे 100 रुपये में, तो वो उसमें थोड़ा बार्गेनिंग हो गई थी। तो नेक्स्ट डे को मैंने फ्रेंड सुबह को उठते ही सबसे पहले तुलसी के पौधे को गमले में लगा दिया। वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता अगर मैं फिर आपको भी पूरा प्रोसीजर शेयर करती। रात में मैंने हालांकि थोड़ा सा पानी डाला था जो नर्सरी से हमें पैकेट मिला था, लेकिन आप देख पा रहे होंगे थोड़े थोड़े से पत्ते, ये देखें थोड़े मुरझा से रहे हैं। तो तुलसी लगाने के लिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, हम जब भी नर्सरी से लेके आएँ उसको इमीडिएट रीपॉट कर दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, ओवर वाटरिंग ना करें तो बेहतर रहता है, नहीं तो कई बार हमारी तुलसी जो है ख़राब हो जाती है। तो होप करती हूँ ये वाला वीडियो मेरा आपके लिए यूज़फुल सिद्ध हुआ होगा। कोशिश करें आप भी घर में छोटी छोटी वेजिटेबल्स लगाने की कोशिश करें और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। तुलसी आपने अभी नहीं लगाई है तो ज़रूर लगा लें और इसको रेगुलरली पिएं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे किसी और दिन।